डेंटल इस्टोलॉजी तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं द पेरुडॉन्शियम पेरोडॉन्शियम इज अगेन लाइक बेसिक टॉपिक्स होते हैं आपके जैसे इनामल हो गया डेंटिन हो गया ओरल मोर्फोलॉजी ओल तो उसमें ही मैं पेरोडॉन्शियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो विदाउट एनी डेट स्टार्ट विद पेरुराजियम सो so, में क्या होता है तो so, पेरोडॉनशियम हमने पहले भी पढ़ा हुआ डेंटल फॉलिकल जो है उसके थ्रू हमारे क्या बनता है एक तो एलिवेलियर बोन बनता है पीडीएल बनता है सीमेंटम तो बनता है तो ये सब चीजें एलि डेंटल फॉलिकल डेंटल सेक्स बनती हैं तो उसी में हम पेरिडोंटम पढ़ते हैं रो पेरिडोंटम एक कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्टेड टिश्यू ऑर्गन है जो टीथ को जो है अंडरलाइंग बोन से अटैच करके रखता है जो होल टीथ है टीथ को नीचे से बोन्स और गम्स है उनसे तो अंडरलाइंग बोन के थ्रू अटैच करके रखता है एंड एक कंटिन्यूली अपेरेटिस प्रोवाइड करता है कि सपोर्ट टीथ को एक प्रॉपर फंक्शन हो सके टीथ का इसलिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है क्या क्या आता है पेरिडोनशियम जब हम पूरे पेरियोडॉन्शियम की बात करते हैं तो उसमें हमारा आता है पेरियोडोंटल लिगामेंट सीमेंटम जो बोन जो टूथ को लाई करके रखती है एल्विुलर बोन एंड आल्सो द जिंजाइवा तो वो व्हाट आर द स्टफ्स वी सीन हियर सो एक तो हमें देखने को मिलेगा वन इज द सीमेंटम अनादर इज पीडीएल सीमेंटम पीडीएल देन देयर कम्स द एल्विुलर बोन एल्विुलर बोन एंड देन द जिंजाइवा सो दीस आर द पोर्शन व्हिच वी व्हिच कंपराइज दिस एंड दिस ऑल कंपराइजिस द पेरियोडोंटियम ज दफ्टर दैट लेट्स स्टडी दिगामेंट इन डिटेल सो पेरोडोन लिगामेंट को अगर डिटेल में रखें तो क्या होता है ये पेरोडोनटल लिगामेंट फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू है जो पेरोडोनटल स्पेस को ऑक्यूपाई करता है बेसिकली लेट्स सी हियर अगेन दिस सपोज दिस इज द ट्रूथ एंड ये मल्टी टूथ हो गया अब इसमें जो नीचे जैसे ये वाला पोर्सन पता है इधर है, इधर सीमेंटम है है सीमेंटम ये वाला पोर्शन इधर खाली स्पेस जो है और ये वाली इधर वाला जो पोर्शन आ जाएगा दैट इज द एलवर बोन ये वाला जो पोर्शन है पूरा ये एलवर बोन है बोन दिस इज द एलव्यूलर बोन एंड दिस इज द सीमेंटम तो सीमेंटम और एलवलर बोन के बीच का ये जो पूरा जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ना ये वाला तो ये स्पेस है बेसिकली पेरियोटल स्पेस और यही हमारा लाइक करता है पेरियोटल लिगामेंट इसको अटैच कैसे पेरोल लिगामेंट आपने अगर पेरियोटल लिगामेंट ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता है जब टूथ में टूथ इरप्शन में हेल्प करता है ये वाला इट्स वन ऑफ द ऑल्सो द प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल देयर विल डिस्कस इट अगेन सुन देन बेसिकली ये क्या करता है एक्सटेंड होता है द मोस्ट अपाइकल पार्ट ऑफ द लेमाइना प्रोप्रिया ऑफ द दवा और ये कंटिन्यूस होता है डेंटल पल्प के साथ इट इज कंटिन्यूस विद डेंटल पल्प अब देखते हैं पीडीएल की वृत्त कितनी होती है तो पीडीएल अगर हम देखें तो वेरा करता है फ्रॉम पॉइंट वन फाइव एम से पॉइंट थ्री एट एम एम तक और मिड लाइन की और इसका एक आर ग्लास अपीरियंस देखने को मिलता है आपको जैसे हमने देखा ना ये अभी दिस इज द आर ग्लास अपीरियंस यहां से ये बेसिकली इधर इधर ये ऐसा वाइड आ रहा है फिर बीच में नैरो हो गया फिर नेहरो के बाद वापस इसे व्हाइट चला जाता है तो ये आर ग्लास हमने वॉच क्लॉक देखी ना ये आर ग्लास ये वाली दिस इज द आर ग्लास अपीरियंस सो so, आर ग्लास अपीरियंस होता है इसका इसलिए फर्दर डिटेल पीडीएल एक तो एज के साथ लाइक अलोंग विद योर एजिंग पीडीएल जो है वो उसकी थिकनेस वेराय करने लग जाती है तो सबसे यंग में जो होता है वो पॉइंट टू वन एम एम होता है एंड देन इट जस्ट गोज बिलो दैट कितना हो जाता है दैट वन एट एम एम एंड आफ्टर दैट मेच्योर ओल्डर अडल्ट में वो जाता है पॉइंट वन फाइव यंग एज में पॉइंट टू वन एम एम मेच्योर अडल्ट में पॉइंट वन एट एमएम एंड ओल्डर अडल्ट में हो जाता है पॉइंट वन फाइव एम एम आफ्टर दैट जो लेगाट है ये एक पेरोडल स्पेस की तरह अपेयर करता है कितना जो पेरोडल स्पेस आपने बताया था तो जैसे पॉइंट फोर से वन पॉइंट फाइव एम एम तक रेडियोग्राफ में अगर आपको रेडियोग्राफ देखोगे टूट का तो आपको उसमें इतना दिखेगा एक रेडियोसन ब्लैक एरिया है जैसे दिखनेगा और ये पेरोडोनटल स्पेस जो है परमानेंट टीथ का कंपैरेटिवली ज़्यादा कम होता है क्योंकि एजिंग के साथ पेरोडोनटल लिगामेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है हमारा तो इस वजह से डेसिडियस टीथ में पेरिडोटल स्पेस ज्यादा दिखेगा परमानेंट में कम दिखेगा आफ्टर दैट ये पेरोडोनटल लिगामेंट जो है इसके अलग अलग नाम है आपको एग्जामिनर अलग अलग नाम से पूछ सकता तो है तो डोंट बी कन्फ्यूज हमें हम इसको मोस्टली जो मेनली इसको बोलते हैं दैट इज द पेरोडोनटल लिगामेंट इसके अलावा इसके अलग अलग नाम है दैट इज ग डेस्मोडॉन्ट, गोमफोसिस डेस्मोडॉन्ट पेरियोडोटल मेम्ब्रेन, पेरियोडोटल एलविडेंटल लिगामेंट सो दीज आर द सम दैंडम डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस पेरियोडोटल लिगामेंट सो वॉट दिसमोरोन कॉम्पोज पेरिसमेंटम डेंटल पेरियोस्टियम एलिडेंटल लिगामेंट एंड द पेरोडेंटल मैमब्रेन और जितने भी ये सब नेम है हम मोस्टली पेरोडेंटल लिगामेंट यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो हम क्या यूज करते हैं पेरोडेंटल मैम्ब्रेन अब आप सोच रहे पेरोडेंटल लिगामेंट बोल रहे हम पेरोडेंटल मैमब्रेन बोल रहे हो तो कुछ लिगामेंट या मैमब्रेन जैसे ही कुछ होगा बट एग्जैक्टली नॉट ना ये मैम्रेन है ना ये लिगामेंट है बेसिकली वॉट हैपेन्स ये जो है एक टाइप ऑफ सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू है कनेक्टेड टिश्यू है और वो भी सॉफ्ट कनेक्टेड टिश्यू जो है जो सीमेंटम और एल्वेरा बोन के बीच में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है और यही कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने की वजह से इसलिए हम इसको बोलते हैं लिगामेंट तो बिकॉज़ इट थॉट टू बी द मोर अप्रोप्रियट टर्म सबसे ज्यादा टर्म लगती है हमको नेम इज लाइक दैट आफ्टर दैट नाउ लेट स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द पेरोल एगामेंट तो पेरोल कैसे होता है तो so वो पहले रूट फॉर्मेशन से चालू होती है प्रायर टू द टूथ फॉर्मेशन टूथ टूथ फॉर्मेशन जब इरप्शन होगा उससे पहले जब रूट बनती है तभी है हमारे पीडीएल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे रूट फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है सेल्स पेरीफोरिकुलर एरिया जो है वहां पर डेंटल एरिया पेरीफॉलिकुलर सेल एरिया प्रेजेंट होता है तो पेरीफॉलिकुलर सेल एरिया में जो सेल्स है वो बेसिकली क्या करती है इट अपनी पोलैरिटी गेन करती है सेल्स इन द दैरिफोलिकुलर एरिया अपनी पोलैरिटी गेन करती है और सेल्युलर वॉल्यूम और उनकी एक्टिविटी

प्रोटिपोर्टें प्योरीपोर्टें सेल विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड इन टू द एनी काइंड ऑफ सेल सो सेम लाइक हिअर द डवलपिंग पीडीडल एन द मे्योर पीडियल में अंडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स होती हैं और इन स्टेम सेल्स का पोटेंशियल होता है कि किसी भी टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है तो किसी भी टाइप की सेल्स में बेसिकली पीडियल में कौनसी टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होगी सो दैट इज बेसिकली द ऑस्टोब्लास्ट सीमेंटोब्लास्ट और इट कैन बी अ फाइब्रोब्लास्ट ये करती है पूरी पेरीवेर साइट्स को इन द पेरोडोन लिगामेंट एंड एडजेसेंट टू द स्पेसेस तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द पेरोल लिगामेंट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ पेरोल लिगामेंट लेट स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ पेरोल लिगामेंट पेरोडोंटल लिगामेंट की क्या क्या कंपोजिशन है लाइक इंडिविजुअली हम कोई पेरोडेंटल लिगामेंट सपोज दिस इज अटेंट लेगा में तो कोई भी चीज है किसी का कंपोनेंट हम पढ़ते हैं कोई भी बॉडी ऑर्गन का कंपोनेंट पढ़ेंगे हम तो so, उसके अंदर हमको सेल्स वगैरह ये सब जो कॉमन चीजें है ये देखने को मिलेंगी तो सेम विथ हियर यहां पे हमको क्या क्या कम्पोनेट देखने को मिलेगा हमको सेल्स देखने को मिलेंगी सेल्स के अलावा हमको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस आते हैं और फाइबर्स को बेसिकली जो सेल्स है ना उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं तो सिंथेटिक सेल्स देखने को मिलेगी सिंथेटिक सेल्स क्या होंगी सो बेसिकली सिंथेसाइज करेंगे फॉर्मेशन करेंगे जैसे औस, औस फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगे मैट्रिक्स फाइबर्स उनका फॉर्मेशन करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट बोन का फॉर्मेशन करेंगे सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटम का फॉर्मेशन करेंगे और ये तो सिंथेटिक सेल्स हो गए जो फॉर्मेटिव एनाबोलिक एक्शन करेंगे फॉर्मेटिव काम करेगी उसके अलावा आती है डेजॉप्टिव सेल्स बेसिकली सेल क्या करती है वो डिग्रेडेशन का काम करती है मतलब जो जो चीज है जो जैसे सिंथेटिक सेल्स का टोटल अपोजिट वो एनाबोलिक एक्शन में इन्वॉल्व है या कैटाबोलिक एक्शन में इन्वॉल्व है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो सीमेंटो ब्लास्ट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा सीमेंटो क्लास्ट ऑल्सो ऑस्टि की जगह क्या आ जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट अब फाइब्रो ब्लास्ट की जगह फाइब्रोग्लास्ट नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है यू uh, जो डोंट कन्फ्यूज इन द एग्जाम फाइब्रोब्लास्ट का फाइब्रो प्लास्ट नहीं होगा फाइब्रोब्लास्ट एक कॉमन सैलेंस जो सिंथेसाइज का भी काम करेगी एंड डेस्ट्रॉय का भी लाइक like, क्रिएटर like, भी वही है एंड डेस्ट्रॉय भी वही है तो ये काम करेगी ऑल्सो अनादर जो सेल्स हमको देखने को मिलेंगे वो है प्रोजेनेटर सेल्स प्रोजेनेटर सेल्स के बाद एपिथिलियल सेल्स देखने को मिलेंगी जो सेलरस्ट ऑफ मुलासेस जो हमने पहले पढ़ी थी हर्टवीक एपीथिलियल रूट जो होती है वो रूट पे आती है और उसके कुछ डिमेडेंट्स रह जाते हैं so, वो बेसिकली एपिथिलियल सेलरस्ट ऑफ मोलासिस बोलते हैं तो वो भी हमको देखने को मिलेंगे पीडियल में ऑल्सो डिफेंस सेल्स डिफेंस सेल्स इज दाइक्रोफेजेस माइक्रोफेजेस मास सेल्स इोसिनोफेल्स ये सब देखने को मिलेंगी उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक को देखते हैं तो एक एक को हम देखते हैं सबसे पहले लिस्ट बिगिन विद द ऑस्टियोब्लास्ट तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ व्हाट सो व्हाट डू यू नो अबाउट ऑस्टियोब्लास्ट अभी आपने डिस्कस किया था सो इट्स द बोन फॉर्मिंग सेल्स तो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं ये जो टूथ में सॉकेट में प्रेजेंट होती हैं क्यूबोइडल टाइप की होती हैं uh, ये जो दीस आर द ऑस्टियोब्लास्ट बेसिकली क्यूबॉइडल शेप की होती है और इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंड न्यूक्लियस होता है हमने पढ़ा था जो क्यूबॉइडल सेल्स होती है उन जो क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंडेड न्यूक्लियस होता है ऐसे मिड में प्रेजेंट होता है अंदर राउंडेड न्यूक्लियस होता है तो सेम इसका भी न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होता है राउंड होता है और ये एक्टिव सेल्स होती है जो प्रेजेंट करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काफी एक्टिवली सेल्स होती है इसके अंदर सेल्स के अंदर जो हमको ऑर्गेनली सेल ऑर्गेनिली जो मैट्रिक्स देखने को मिलता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैट्रिक्स देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी वेसिकल्स ये सब चीजें देखने को मिलेंगी आफ्टर दैट ऑस्टियोब्लास्ट अब हम देखते फाइब्रो ब्लास्ट तो फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन वेरी क्लियर है तो वो फाइब्रोब्लास्ट जो है डोमिनेंट सेल है पीडीएल की ये जो है एक्टोमिजन इंपॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट वन कैन आस्क यू फॉर वाइवा फ्रॉम वेयर द फाइब्रोब्लास्ट ब्लास्ट ऑरिजिनेट तो फाइब्रोब्लास्ट ऑरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोमीजन काइम ऑफ द डेंटल फॉलिकल एंड ऑल्सो फ्रॉम द डेंटल पेपिला सो वेयर फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट ऑरिजिनेट सो दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोमीजन काम ऑफ डेंटल फॉलिकल एंड ऑल्सो फ्रॉम द डेंटल पेपिला ये फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स में लाइक करती है वही फॉर्मेशन करती है ये फाइब्रोब्लास्ट जो है वो लार्ज सेल्स होती हैं विद कंपैरेटिवली जब हमें ऑस्टियोब्लास्ट से पढ़ा था कंपैरेटिवली लार्ज सेल्स होती है उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिल्स होती है और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिल्स होती हैं तो दैट मीस द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सबकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी न्यू वेरिएबल वेरबल एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन तो ये एक्टिवली एसोसिएट होती है प्रोटीन की सिंथेसिस और सीक्रेशन में फाइब्रोब्लास्ट का रोल ही यही है ये कि ये स्ट्रक्चरल कनेक्टेड टिश्यू प्रोटीन बनाती है जैसे कोलाइजन हो गए इलास्टिन हो गए ऑल्सो ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोज बनाती है जो पीडीएल का पूरा जो ग्राउंड सब्सटेंस है तो ग्राउंड सब्सटेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा ऑल्सो ये क्या करती है पीडीएल मैट्रिक्स फॉर्मेशन कर रहा है कोलेजन फाइबर्स कर रहा है तो एक्टिव कोलेजिनस बनाता है एंड अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स जिनको हम कलेक्टिवली एक तो क्या बनाता है कोलेजिनस बनाता है एंजाइम्स एक तो ये वॉट इज फॉर्म एक तो ये बनेगा प्लस एक्ट प्लस फैमिली ऑफ एंजाइम्स प्लस फैमिली ऑफ एंजाइम्स की पूरी फैमिली बनाएगा जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे दैट इज नोन एज मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीन्स मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीन्स मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीन्स सो दिस इज द अनादर पीडियल इन्फॉर्मेशन दिस इज ऑल्सो सीक्रेट इन एक्टिव कोलेजन एंड अ फैमिली ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज कंबाइंडली हम उसको क्या बोलेंगे मेट्रिक्स मेटल और प्रोटीनज सो so, ये सिबल है पूरा जो पीडीएल है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अब ये जो क्या करते हैं जो मेट्रिक मेटलो प्रोटीन आपको देखने को मिलता तो है तो मेट्रिक मेटेलो प्रोटीन्स जो हैं वो फॉर्मेशन करते पीडीएल के फाइबर्स का और रीमॉडलिंग करते हैं फाइबर्स है पूरे उनका फॉर्मेशन और रीमॉडलिंग करेंगे ऑल्सो एक सिग्नलिंग सिस्टम की तरह एड करते हैं ये मेट्रिक मेटेलो प्रोटीन्स ताकि एक पर्टिकुलर एक विर्थ और थिकनेस मेंटेन रह सके पीडीएल की आफ्टर दैट हमको क्या चीज देखने को मिलेंगे फॉर्मिंग सेल हमने ऑस्ट्रीब्लास देख लिया फाइब्रोब्लास देख लिया अब देखते हैं सीमेंटोब्लास्ट तो सीमेंटोब्लास्ट ब्लास इज नेम सजेस्ट ये ऑलमोस्ट क्यूबॉइडल शेप होती है एक तो सीमेंटम का फॉर्मेशन करेंगे ऑल्सो दे आर द क्यूबॉइडल शेप सेल्स जिनका एक लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसपे एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं अबर्ड एंड साइटोप्लाज्मा और, और, और देखने को मिलेंगे सेल्स सेल्स जो जो है जो है है वो कर रही ऑस्ट्रो सीमेंटोब्लास्ट जो सेल्स है वो क्या डिपोजिट करती है बेसिकली दो, दोनों टाइप का सीमेंटम डिपोजिट करेगी दट इज ए सेल्यूलर एंड द सेल्यूलर सीमेंटम ये जो सेल्स है ऑफन हम डिस्टिंग्विश इनडिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम द पेरोल फाइब्रोब्लास्ट अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन जो है वो एडजस्टेड होती है सीमेंटम सरफेस के आफ्टर द सिंथेटिक सेल्स हम हम देखते हैं रिजॉर्वटिव सेल्स जिसका डिग्रेडेशन करेगी डिस्ट्रॉय करेगी तो ऑस्टिओक्लास्ट ऑस्टिग्लास्ट बोन डिग्रेडेशन सेल्स होती है ये रिजॉर्व करती है बोन को और मल्टी मल्टी न्यूक्लेटर भी हो सकती है या फिर ये मोनो न्यूक्लियर भी हो सकती है जिसमें बेतु स्मॉल सिमिलर टू सर्क्यूलेटिंग मोनोसाइड्स विद आफ्टर ऑस्टक्लासाइब्रोक्लास्ट तो फाइब्रोक्लास्ट तो नहीं बोलेंगे आई रिमेम्बर अगेन दट इज फाइब्रोक्लास नहीं बोलनाज द फाइब्रो ब्लास्ट

में एपिथेलियल सेल्स कंटेन होती हैं जो थोड़ा सीमेंटम के पास में देखने को मिलती हैं ये सेल सबसे पहले मुलासेस ने डिफाइन की थी 1884 में और बाद में दैट इज द रिमेनेंट ऑफ द और एंड आर द रिमेनेंट ऑफ द हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हार्टविक एपिथेलियल रूट शीथ के कुछ रिमेनेंट रह जाते हैं दे फॉर्म्स द एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मुलासेस और दे यूज्ड टू इंडल्ज विद द पेरियोडोंटल स्पेस एंड एंटर्स द पेरिओडोंटल लिगामेंट ये जो है बेसिकली क्लियर नहीं इनका फंक्शन कोई ऐसा क्लियर नहीं है बट दे कुड भी आइदर या फिर तो पेरेडोनटल रिपेयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं अब आपसे पूछा जाए हार्ट हार्टवे कैपिथिल शीट के रिमेनेंट्स का क्या फंक्शन है तो so बेसिकली उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन अब तक तो क्लियर नहीं है हम लोगों को बट इसका फंक्शन यही माना जाता है कि ये पेरेडोंटल लिगामेंट उसके रिपेयर में काम आता है उसको रिजनरेशन में काम आता है इसका ये लेस न्यूमरस है इन ओल्डर इंडिविजुअल्स और ज्यादा न्यूमरस है इन चिल्ड्रन अप टू सेकेंड सेल्स है इनिशियली एपाइकल रीजन में ज्यादा देखने को मिलती है बाद में ये मोस्टली सर्वाइकल एरिया में देखने को मिलती है सर्वाइकल एरिया सर्वाइकली इन द द दिंजा क्रेस्ट ये सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर सकती है टू फॉर्म द अब बाय द वे अगर ये सेल्स जो है रिमेंडेंट ऑफ द एचईआरएस अगर ये अगर वो हो गए दैट मीन्स द प्रोलीफरेट होगा ये तो सिस्ट और फोट्यूमर वगैरह का भी फॉर्मेशन हो सकता है सो दिस विल बी क्रिटिकल डेंजरस कंडीशन ऑल्सो ये जो सेल्स हैं मे अंडर गो कैल्सिफिकेशन टू फॉर्म सीमेंटिकल्स अब ये जो सेल्स होती हैं जैसे तो सीमेंटिकल्स भी बन सकती हैं दे आर कैल्सिफाइड मासेस विच वील स्टडिंग लेटर ऑन इन दिस वीडियो सो आफ्टर दैट अब हमने डिफेंस सेल्स देखे थे डिफेंस सेल्स जैसे डिफेंस का, का काम करेगी तो हमने मास सेल्स माइक्रोफेजेस इनोफिल्स पढ़ने हैं इसमें हमको सो लेट स्टडी विद द मास तो मास् सेल एक रिलेटिवली तो थोड़ी छोटी राउंड और ओवल टाइप की है ओवल टाइप की सेल होती है जो किससे एसोसिएटेड पूरी ब्लड वेसल से एसोसिएटेड होती है और ये क्या काम करती है मास सेल इसका मेन रोल जो है इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या करती है एंडोथिलियल एंड फाइब्रोब्लास्ट की जो सेल पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट का काम करती है क्या काम करती है बेसिकली एंडोथिलियल और फाइब्रोब्लास्ट की जो सेल पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट करके का काम करती है उसके बाद मास सेल के अलावा नेक्स्ट थिंग विच विल सी दैट इज अ मैक्रोफेजेस सो so, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं दे आर द लोकेटेड एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स और ये दो काम करते हैं डुअल रोल होता है इनका मैक्रोफेजेस हमने पढ़ा है बहुत बार बायोलॉजी विद ब्लड चैप्टर ब्लड फिजियोलॉजी की ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं दे डेड सेल ऑल्सो सीक्रेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को जो रेगुलेट करता है प्रोलिफ्रेट अर्जेस फाइब्रोब्लास्ट दे सीक्रेट ग्रोथ फैक्टर्स जो रेगुलेट करता है प्रोलिफोरेशन ऑफ द एडजेसिन फाइब्रोब्लास्ट आफ्टर दैट आफ्टर हमको पढ़ना इोसिनोफिल्स तो इोसिनोफिल्स क्या होता है आर ऑक्सीजनली सीन इन द पीडीएल एंड कहां कैपेबल है आर कैपेबल ऑफ द फेगोसाइटोसिस इोसिनोफिल्स जो है वो पीडीएल में देखने को मिलते हैं और फेगोसाइटोसिस जस्ट लाइक दैट इनोफिल्स आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस और ये इोसिनोफिल्स का रोल एलर्जिक रिएशन में भी होता है टम डिग्रेडिंग सेल्स जो सीमेंटम फॉर्म होता है सीमेंटम जैसे बोन फॉर्मिंग के साथ बोन डिजॉर्विंग सेल थी ऑस्टी क्लास्ट और जैसे सीमेंटम फॉर्मिंग के साथ सीमेंटो क्लास्ट होती है जो सीमेंटम का डिग्रेडेशन करती है आफ्टर दैट अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर सब्सेंस सो एक्स्ट्रा सेल्युलर सब्सटेंस जो है उसमें ऑफ द पीरियल उसमें क्या आता है बेसिकली कोलेजन फाइबर आएंगे इलास्टेन ऑक्सीटेलिन एंड सेकेंडरी फाइबर रेटिकुलर फाइबर्स ये सब आएंगे एंड ग्राउंड सब्सटेंस में क्या आएगा प्रोटीओग्स एंड द आर इंक्लूडेड इन दैट एंड नाउ लेट सी द फाइबर्स तो फाइबर्स को देखे तो जो कनेक्टेड टिश्यू फाइबर्स है वो मेनली जो है कोलजिन के होते हैं पूरे और कुछ अमाउंट में उसमें ऑक्सीटिल और रेटिक्यूलिन फाइबर्स में देखने को मिलता है तो आपको प्रिंसिपली मैक्सिमम फाइबर्स कौन से होते हैं पीडीएल में तो मैक्सिमम आपको कोलेजिन फाइबर्स देखने को मिलना है आपको सबसे ये वन आस्बर्स तो आपको कौन से फाइबर्स में देखने को मिलेंगे पीडीएल में सो दे आर बेसिकली द फाइबर एंड बेसिकलीसो यू सी द फाइबर एंड द ऑक्सीडेन फाइबर्स आफ्टर दैट कोलेजन फाइबर्स को अगर हम देखें तो कोलेजन फाइबर्स एक बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो अराउंड फाइव माइक्रोमीटर डायामीटर में और यही बंडल्स को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फाइबर्स ये कोलर्जन फाइबर्स हैलर्जन फाइबर जो है पूरे बंडल में तो दिस इज़ द प्रिंसिपल फाइबर ऐसी मल्टीपल कोलेजन फाइबर्स ए फॉर्म ऑफ बंडल एंड दिस प्रिंसिपल फाइबर सो ऐसे प्रिंसिपल फाइबर्स मल्टीपल प्रिंसिपल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होता है सो दीज प्रिंसिपल फाइबर्स सो मेन टाइप ऑफ कोलेजन इन प्रिंसिपल फाइबर्स में कौन से देखने को मिलता है टाइप वन कोलेजन सेवेंटी परसेंट ऑल्सो हमको टाइप थ्री कोलेजन भी देखने को मिलता है अभी प्रिंसिपल फाइबर्स को ये एलिवेडेंटल लिगामेंट एलिवेडेंटल लिगामेंट यू नो वेरी वेल अभी क्योंकि हमने पेरेडेंटल इट्स नॉट कॉमन टर्म बट आपको या yeah, आपको पता होना चाहिए क्योंकि वन कैन कैन एग्जामिनर कंफ्यूज यू एनी टाइम गिविंग यू डिफरेंट नेम सो आपको पेरेडेंटल लिगामेंट के साथ दूसरी टर्म भी याद रखनी है इज देरेडोटल लिगामेंट और इसका हमने और भी क्या बोला था एलोडेंटल लिगामेंट सो इसमें फाइव टाइप के फाइबर ग्रुप्स देखने को मिलता है सो लेट्स स्टडी दम मी राइट तो सी दिस इज अ टूथ आई हैव ड्रॉन एंड यहां पे ये देखिए इधर इधर आएगी बोन एंड uh, ये वाला जो हमने बोला था पीडीएल का स्पेस है दिस इज अ पीडीएल स्पेस एंड अब यहाँ पे हमको फाइबर्स देखने को मिलते हैं यहां से ये लेकर यहाँ तक पूरे में ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट है तो उन्हीं को हम प्रिंसिपल फाइबर्स बोलेंगे और प्रिंसिपल फाइबर्स को हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया था हमने उनको फाइव ग्रुप में डिवाइड किया था तो लेट स्टडी ईच ऑफ देम सबसे पहला फाइव ग्रुप में से आएगा हमारे एलव्यूलर क्रेस्ट फाइबर आई प्रेफर यू आपकी सीक्वेंस में याद करें जैसे जिस वे में आई एम टेलिंग यू बिकॉज इस सीक्वेंस में हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो दैट्स बिट मे मोर क्लियर इन इंस्टीड ऑफ डिस्टर्बिंग द सीक्वेंस तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा एग्जाम में सो इट विद दैट सीक्वेंस सबसे आएंगे पहले आएंगे हमारे एलव्यूलर एलव्यूलर फाइबर एलवर क्रेस्ट फाइबर्स सो दिस इज फाइबर क्रेस्ट फाइबर यहां से ये बेसिकली सीमेंटम से पेपी सीमेंटम से एलवेलर बोन तक जाएंगे ऐसे इस तरह से थोड़ा ऑब्लिक डायरेक्शन में यहां प्रेजेंट होंगे दीज आर फाइबर्स सो so, दीज आर द एलवेलर क्रेस्ट फाइबर्स एलवर क्रेस्ट के बाद हमको देखने के बाद मिलेंगे हॉरिजोंटल फाइबर पहले हमने एलवेलर क्रेस्ट फाइबर देखे उसके बाद आप कौन से फाइबर देखने को मिलेंगे दैट इज द हॉरिजोंटल फाइबर्स हारिजोंटल फाइबर हॉरिजोंटल फाइबर्स जस्ट जस्ट एलवेलर क्रेस्ट फाइबर्स के नीचे प्रेजेंट होंगे दे लाइज हॉरिजोंटली इस तरह हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होंगे ही हैव द हॉरिजॉन्टल फाइबर्स दे आर द फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एपाइकर एंड पेरियोकेस्ट फाइबर्स आफ्टर एल्वियोलर क्रेश एंड हॉरिजॉन्टल फाइबर्स देयर कम्स अनदर फाइबर दैट इज द ऑब्लिक फाइबर्स ऑब्लिक फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये पूरे सब में मतलब सब सबसे ज्यादा जो अबंडेंट फाइबर्स प्रेजेंट हैं सबसे अबंडेंट जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं सो फाइबर्स सबसे अबंडेंट ab प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट है ऑब्लिक के बाद हमारे पास आते हैं अपाइकल फाइबर अपाइकल फाइबर्स सो अपाइकल फाइबर्स बेसिकली कहा प्रेजेंट होते हैं अपाइकल फाइबर इस तरह से ये वाला जो एरिया है ना रूट में इस तरफ यहां प्रेजेंट होते हैं इंटर रेडिकुलर फाइबर इंटर रेडिकुलर फाइबर्स के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है ये आपको मल्टी रूटेड टीथ में दिखेंगे सो मल्टी रूटेड जैसे ये वाला टीथ है इसमें आपको वाई फेड रूट दिख रही है ना मल्टी रूटेड टीथ तो इस केस में आपको दिखेंगे और ये कहा प्रेजेंट होते हैं ये वाला ये जो सेप्टम है यहाँ सेप्टम क्रैस्ट ऑफ एल्बोर सेप्टम यहां से लेकर क्या तो बायो फर्केशन ऑफ रूट का जो पॉइंट है यहां पर प्रेजेंट होते हैं सो दीज आर द इंटर रेडिकुलर फाइबर्स सो आई होप दिज फाइबर्स आर क्लियर टू यू आफ्टर दीज फाइबर्स अब हम देखते हैं बेसिकली वट विल सी